गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। इसका नाम है डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, लेकिन डेवलपमेंट आखिर है क्या? विकास क्या है? तो विकास एक आइडिया है। क्या है? आइडिया। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक आइडिया है, एक सोच है। क्या है? एक सोच है। हर एक इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए हम कंट्री के बारे में सोचते हैं, तो कंट्री के जैसे कि हम लोग एक ग्रुप हैं, इंडिया के लोग हैं, वो सोच रहे हैं कंट्री का भला सोच रहे हैं। ठीक है, कंट्री का मान लीजिए भला सोच रहे हैं, तो कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या है? देश के लिए डेवलपमेंट क्या है? तो देश के लिए डेवलपमेंट है कि मान लीजिए अच्छी सड़क, गुड रोड, पहला। दूसरा मान लेते हैं, और क्या सोच सकते हैं? हमारे आर्मी के पास क्या हो? इक्विपमेंट हो। आर्मी के पास हथियार हो, इक्विपमेंट हो, ताकि वो अच्छे से हमारा बॉर्डर को सुरक्षित कर सके। ठीक है, इंडिया में अच्छा रोड हो, इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खुल जाए। ठीक है, तो ये जो है ये हम सोच सकते हैं, ये आइडिया हम लगा सकते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सनल अगर सोचेगा, मान लीजिए ये तो हमारा कंट्री, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक आदमी की सोच क्या होगी? मेरा इनकम बढ़ जाए, हम 10 लाख का महीना कमाने लगे, ये उसके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ये क्या सोचेगा? बहुत पैसा कमाए। तो इसके लिए क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है, एक इंसान किस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स आर नेसेसरी। रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, क्या डेवलपमेंट क्या प्रोमिस करता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा, आज इंट्रोडक्शन है, बस आप लोग देखिए। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अलग अलग इंसान का अलग अलग अपना अपना क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट पीपल में कौन कौन लोग को हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम फार्मर को लेते हैं, फार्मर आ गए, बिजनेसमैन को लेते हैं, अब लेते हैं ट्राइबल्स को यानी कि आदिवासी, जैसे भी हो देख लीजिए आदिवासी। फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। अगर इरिगेशन फैसिलिटी अगर बेटर है हमारे यहाँ, हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी अगर बेटर है इंडिया में, तो हमारे लिए डेवलपमेंट है। ये कौन सोच रहा है? किसान सोच रहा है यानी कि फार्मर सोच रहा है। बेस्ट
प्राइस फॉर आवर क्रॉप्स, बेस्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, फसल की अच्छी कीमत मिले तब हम समझेंगे कि मेरा डेवलपमेंट है। ऐसा कौन सोच रहा है? फार्मर सोच रहा है। बिजनेसमैन क्या सोचेगा? बिजनेसमैन के व्यू से देखिए तो बिजनेसमैन क्या सोचता है? बिजनेसमैन सोचेगा टैक्स में बेनिफिट मिले। बिजनेसमैन क्या सोच सकता है? टैक्स में हमको बेनिफिट मिले, बेटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, बेटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, तब ये समझेगा बिजनेसमैन कि मेरे लिए क्या है? डेवलपमेंट है। फार्मर के लिए देख ही लिए, बिजनेसमैन के लिए टैक्स बेनिफिट अगर मिल जाए, टैक्स में छूट मिले, तो समझेगा बिजनेसमैन कि मेरे लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, बेटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, अच्छी तरीके से उसके कंपनी में, उसके फैक्ट्री में अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो वो क्या समझेगा? मेरे लिए डेवलपमेंट है। ट्राइबल्स क्या सोचेंगे? ट्राइबल्स सोचेंगे मेरे एरिया में कोई डैम ना बने। ये क्या सोचेंगे? नो डैम इन आवर एरिया, मेरे एरिया में कोई डैम ना बने। ये कौन सोचेंगे? ट्राइबल्स। क्यों? अगर डैम्स बना, मान लीजिए डैम्स बनने से किसको नुकसान नहीं होगा? जो शहर में रहते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ट्राइबल्स गांव में रहते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहाँ पे मान लीजिए नदी है, वहाँ पे अगर डैम बना दिया, डैम किस लिए बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए, नदी के बहते हुए पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो पानी अगर मान लीजिए रोका गया, वहाँ पे 500 परिवार है, 500 ट्राइबल्स के परिवार है, पानी रोका गया, बाढ़ आ गया, उस एरिया को उसको खाली करवा दिया जाता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उस क्या होता है, डैम बनने के बाद डूबने का चांस, पानी तो रुक गया, नदी में पानी तो आ रहा है कहीं ना कहीं से बहते हुए, तो वो पानी रुक गया तो वो क्या करेगा, आसपास चारों तरफ फैलेगा, जिसके कारण ये लोग को बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि डैम ना बने। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डैम क्यों जरूरी है, यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डैम क्यों जरूरी है, या कैसे आदिवासी के लिए डैम जो है वह डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं है ट्रैवल्स के लिए, भले ही बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल हो, देश के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन ट्रैवल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। हम जानते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ठीक है, एक के लिए जो डेवलपमेंट होगा ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। मेरे लिए मान लीजिए अभी हम इतना सारा एग्जांपल दिए, फार्मर्स के लिए जो डेवलपमेंट था वो जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन के लिए भी वही डेवलपमेंट हो। तो अलग अलग इंसान का, अलग अलग पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का नज़रिया, डेवलपमेंट का आइडिया जो होता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता है, सिर्फ अगर हमें इनकम होते रहे यही सिर्फ जरूरी नहीं है, इनकम के अलावा अदर गोल्स भी हमारे होते हैं। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम हमारे लिए सिर्फ इनकम ही जरूरी ज़्यादा नहीं है, हमारे लिए अदर गोल्स भी जरूरी है। अदर गोल्स में इक्वल ट्रीटमेंट। हम कोई भी कंपनी में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है, सिर्फ इनकम नहीं देख रहे हैं, ये अदर गोल्स के अंदर आते हैं। क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? किस बेसिस पे? कास्ट बेसिस पे। यहाँ लोग क्या करते हैं? कास्ट बेसिस पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या चाहेंगे जब भी जॉब करने जाएंगे तो क्या चाहेंगे? कि हमारे साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो, कास्ट बेसिस का कोई मतलब यहाँ पे ना हो, मेल फीमेल ना हो, वहाँ पे मेल फीमेल के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब हम चाहेंगे, ठीक है। ये मेजर नहीं किया जाता है, ये सब जो है इक्वल ट्रीटमेंट ये मेजर नहीं किया जाता है। अब आते हैं और क्या देखेंगे?
फ्रीडम, फ्रीडम देखेंगे हमें आज़ादी हो। अभी एक मान लीजिए कि कहीं पे हमको जॉब लग गया, ठीक है, और वहाँ पे बॉस जो है वो बोल दिए कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना है, सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने वर्क पे, तो ऐसा जॉब भी हम करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ पे फ्रीडम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। आपको ऐसा जगह जॉब दिया जा रहा है जहाँ पे नक्सलाइट एरिया हो, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे माओवादी लोग रहते हैं, कि आपको यहाँ पे जॉब दे रहे हैं, आपका 5 लाख का महीना हम देंगे, 5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है, ठीक है, आप यहाँ पे जॉब करो, हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। क्या आप उस जगह पे जॉब करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो कभी भी आप कहीं भी जॉब करने जाते हो तो सिर्फ आप इनकम नहीं देखोगे, अदर गोल्स देखोगे, क्या क्या, इक्वल ट्रीटमेंट हो हमारे साथ, फ्रीडम हो, और वहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, ठीक है। यही सब आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे किसी भी कंपनी से। अब आते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जितने भी इंडिविजुअल इंसान हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सभी से पूछा गया कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो क्या बोलेंगे, यहाँ पे देश में बहुत बाहर से विदेशी बहुत सारी कंपनियाँ आ जाए और बहुत सारे लोगों को जॉब लग जाए, ये हमारे लिए क्या है, डेवलपमेंट होगा। कोई बोलेंगे पूरा करप्शन ख़त्म हो जाए हमारे इंडिया से, ये मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। कोई बोलेगा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। और क्या बोल सकता है, कोई बोलेगा कि यहाँ की सारी रोड, हर एक गली गली में रोड बन जाए तो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो है इंडिविजुअल का अलग, डेवलपमेंट का अलग अलग सोच है, अलग अलग आइडिया है, हर एक इंसान का अपना अलग अलग आइडिया है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज बेस्ट, कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट इज बेस्ट। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में डैम के बारे में पढ़े थे। हम लोग यही सोचेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचे उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसी को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे ये ट्रैवल्स और डैम्स का एग्जांपल लिए थे, तो समझिए कि डैम्स बनने में कितने लोगों को नुकसान हो रहा था, मुश्किल से 500-600 एक कम्युनिटी में, 500-600 मतलब मान लेते हैं कितना लोग रहते हैं, ठीक है, उनको नुकसान होने वाला है। लेकिन उनके आसपास शहरों में लगभग 10,000-25,000 इस ऐसे लोग रहते हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। तो हम वो डैम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हमें वो डैम बनाना है, क्योंकि हमें देश के बारे में सोचना है, ठीक है, कुछ पीपल के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, हमें देश के बारे में सोच के, गवर्नमेंट क्या करेगी, देश के बारे में सोचेगी और उस हिसाब से डेवलपमेंट अपने तरीके से करेगी। सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेके वो काम नहीं कर सकती है, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला, मतलब डाल दूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।